सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग दुर्गा सप्तमी से, क्योंकि आज नवरात्रि भी है, तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के उपलक्ष्य में, नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज हम लोग अथ श्री दुर्गा सप्तमी जो है, इसके पहले अध्याय को हम लोग सुनेंगे। इसमें जो कथा है, एक कथा बड़ी ही मार्मिक, धार्मिक और आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद आता है। तो चलिए इस दुर्गा श्री सप्तमी की कथा को सुनते हैं। ओम। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने, जिनका अस्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैंने सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। तब मार्कंडी जी बोलते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो, सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मन्वंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मन्वंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविंध्वस्य नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु को, राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविंध्वस्य संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समुच्च पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छिड़ होता चला गया, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपने स्वाभाविक हिंसा प्रवृत्ति को छोड़कर परम शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे और मुनीश्वर के आश्रम इधर उधर
विचरते हुए कुछ काल तक रहे, फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वह नगर अब आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किस भोगों को भोगता हो। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। तब वैश्य बोलता है, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य ने बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेमग्न हो रहा है यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? तब मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग न्यायनुकूल विनयपूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजन ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ,
यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है, इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हृदय स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों बहुत दुखी हूँ। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है। विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं दिखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चावल से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करता है। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा को जानते हैं। रखने वाले भगवान महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातन देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री है। तब राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, अथा उन्होंने समस्त विश्वों को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधुकैटभ
के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा अस्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधिश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजह स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हें भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर पड़ों में आकार, ओकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्र है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री अथवा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में शब को अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पनांत्र के समय संहार उपधार करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूप, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली शब की प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ ये भी तुम्हारी अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितनी भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूप पे देवी कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारे स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रसन्नचित हो। ये दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की
अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक वर्णा के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटब अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्धत हो रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यह तुम्हारे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहाँ हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपने जांघ पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार हे देवी महामाया, ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवी उष्णिका छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हूँ। प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी के भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षरमाला फरसा गदा वाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूलपाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन गया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं के महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों ने देवेश्वर से विस्तारपूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवन महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई, अब हम आपकी शरण में आए हैं, उनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्य पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ी हो गए। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्र प्राणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि के अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज चज्ज्वलमय पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से
प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उन देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों अस्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उनकी उंगुलियां उत्पन्न हुई। वशुओं के तेज से हाथों की उंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भावें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष वाण से भरे हुए दो तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र अपने वज्र से वज्र उत्पन्न कर दिया और एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक कक्ष माला तथा ब्रह्मा जी ने कमलंडू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी क्रीड़ों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र से उज्ज्वल हार अथवा कभी जीर्ण न होने वाले जो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केरु, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहने जाने के लिए रत्नों की बनी अंगूठी भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल फूल भेंट दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। ध्यानस्थ कुबेर ने मधुर से भरा पान पात्र दिया था। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इस प्रकार अन्य देवताएं भी आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भगवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपने प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही हैं। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी अथवा वे अपने धनुष की टंकार सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्दसाहित होने लगी। चिछुर नामक महान असुर महिषासुर सेनानायक था।
वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगली सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगे। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्यों ने लोहा लिया। 1,00,000 रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5,00,000 रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60,00,000 रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1,00,000 रथियों के सेना तथा युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5,000,000 रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी 1,000,000 महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, भक्ति, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टीस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग। देवी भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंज मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भयंकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानव वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों करोड़ों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टीस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गढ़ असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गढ़ मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पास से बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए। कितने की गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणंग में वाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले दैवपीठ दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्य मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोग के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर उठ जाते और केवल थड़ ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्धों के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के थड़ हाथ में खड्ग, शक्ति और रिष्ट लिए दौड़ते थे तथा दूर दूर के महादैत ठहरो ठहरो यह कहते हुए वहां देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों के लाश से ऐसी पट गई थी
कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुरों के शरीर से इतना अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारे ढेर को आग कुछ ही छड़ों में भस्म कर देती है, वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूनने लगा। वहाँ देवी के गणों भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल वर्षा करने लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।